कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, मैं भाजपा में जा रहा हूं। मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही नकुलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। तो सुना आपने, कमलनाथ के बाद अब नकुलनाथ भी ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कमलनाथ और नकुलनाथ को ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है? क्या कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अब उन पर एतबार नहीं रहा, या कहानी कुछ और है? जो भी हो, सियासत में सब कुछ जायज़ है, लेकिन कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों की हवा ने बीते 15 दिनों में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई थी, जिन पर कमलनाथ और नकुलनाथ की इनकार के बाद विराम जरूर लग गया है। लेकिन अब कमलनाथ और नकुलनाथ पर कांग्रेसियों को एतबार नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो ये भी आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी में जाने की अटकलों को लेकर कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंचना और फिर उनके खासे समर्थकों के कमलनाथ की अनदेखी के पार्टी पर आरोप लगाना, मीडिया के सामने कमलनाथ की इन अटकलों से स्पष्ट रूप से इनकार न करना, इन्हीं सब बातों के बाद अब कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कमलनाथ के वापस लौटने का एतबार नहीं हो रहा है। यही कारण है कि कभी पिता यानी कमलनाथ भावुक अंदाज में ये कह रहे हैं कि उनका जीवन छिंदवाड़ा के लिए समर्पित है, तो कभी नकुलनाथ को ये कहना पड़ रहा है कि वो और उनके पिता बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। क्या कहा था नकुलनाथ ने, आप भी सुनिए। 1-1.5 महीने में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा के लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, मैं भाजपा में जा रहा हूं। मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही नकुलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। नकुलनाथ के पहले कमलनाथ ने भी कहा था कि मैं पागल थोड़ी हूं जो बीजेपी में जाऊंगा। कमलनाथ आ रहे हैं भाजपा में, अरे कभी मैंने कहा मैं भाजपा में जा रहा हूं, मैं क्या पागल हो गया हूं? और ये पत्रकार लोग, मैंने कहा आप ही आ पाए और आते हैं और तब आते हैं मेरे पास आते हैं, तो ये सब बातों से आपको सावधान रहना है। हमें अपने जिले का भविष्य सुरक्षित रखना है। लोकसभा का चुनाव आएगा, नकुल करेगा, हमारा संबंध जो है, मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा जिले को। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जब कांग्रेसियों को यकीन था कि कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, तो कमलनाथ ने इन अटकलों को हवा क्यों दी? क्या इसे ये समझा जाए कि बात नहीं बनी तो घर वापसी हो गई? लेकिन यहाँ कमलनाथ और नकुलनाथ के लिए ये कहावत ठीक नहीं बैठ रही है कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि अब जनता तो छोड़िए, कांग्रेसियों को ही उन पर एतबार नहीं हो रहा है। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि नकुलनाथ के बयान के बाद पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखा, धन्यवाद नकुलनाथ, आपने सही कहा, भाजपा झूठी अफवाहें फैलाने में माहिर है, आपने इन अफवाहों को समाप्त कर बहुत अच्छा किया। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में मायूसी थी जो आज समाप्त हो गई है, हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। एमपी में कांग्रेस के चांडक के कहे जाने वाले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट बता रहा है कि कमलनाथ और नकुलनाथ का कांग्रेस में होने का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एतबार नहीं हो रहा है। ऐसे में कमलनाथ और नकुलनाथ के सामने दो चुनौती हैं, पहली अपने अभेद किले यानी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को बचाने की और दूसरी नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में बैठी इस शंका को दूर करने की। खैर, ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अब सबकी निगाहें हैं, क्योंकि इस यात्रा में ये साफ हो जाएगा कि कमलनाथ और नकुलनाथ कांग्रेस के कितने पास और कितने दूर हैं और उनकी इस यात्रा में क्या भूमिका होने वाली है।